हर देश की एक चाहत होती है, विश्व के हर एक मंच पर उसके देश की तारीफ की जाए, और इस कामयाबी को हासिल करने के लिए दुनिया का हर देश अपनी रणनीति पर काम भी करता है। लेकिन इन तमाम देशों की लिस्ट में पाकिस्तान का नाम बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान की रणनीति में इस तरह की कोई बात शामिल है ही नहीं। वो तो ओसामा जैसे आतंकवादी को शहीद भी कहने से गुरेज नहीं करता, लेकिन अफसोस पाकिस्तान हमेशा अपनी इसी रणनीति के लिए विश्व के हर एक मंच पर जलील होता है। लेकिन पाक के वजीर आजम है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि भारत ने एक बार फिर यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। हुआ कुछ यूं कि यूएन में भारत ने राइट टू रिप्लाई के तहत अपना पक्ष रखा और फर्स्ट कमेटी जनरल डिबेट में बोलना शुरू किया। फिर क्या था, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उसके झूठ की पोल खोल कर रखा। भारत ने यूएन में कहा, पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि तो यहां शांति सुरक्षा की बात करते हैं, जबकि उनके प्रधानमंत्री ओसामा बिन लादेन जैसे वैश्विक आतंकियों को शहीदों के रूप में महिमामंडित करते हैं। खैर, भारत इतने पर ही कहां शांत रहने वाला था। मुद्दा आतंकवाद से जुड़ा हो और बात देश की रक्षा सुरक्षा की हो तो भारत पाकिस्तान की बखिया उधेड़ने में बिल्कुल पीछे नहीं रहता। भारत ने कहा, वैश्विक आतंकवाद के केंद्र के रूप में पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों की परवाह किए बिना बार बार अपने पड़ोसियों के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद में शामिल रहा है। मंचों पर झूठ फैलाने की पाकिस्तान की कोशिशें सामूहिक अवमानना के पात्र हैं। बता दें, इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और भारत की बेटी स्नेहा दुबे ने भी जमकर पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई थी। लेकिन ये पाकिस्तान है, ये अपने दोनों कानों का इस्तेमाल काफी अच्छे तरीके से करता है। एक कान से सारी बातें सुनता है और दूसरे कान से सुनी हुई सारी बातें निकाल देता है। बहरहाल, भारत के इस बयान पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं।